हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मसाला काजू की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी टी टाइम स्नैक है मसाला काजू, जिसको कि नमकीन काजू या फिर रोस्टेड काजू भी बोलते हैं। इसको घर में आप बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। तो अगर आपके घर में कोई फेस्टिवल है, कोई गेस्ट आने वाले हैं, तो आप इसको पहले से बनाकर रख सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको बनाना कैसे है। तो सबसे पहले अच्छी क्वालिटी के आप काजू ले लें। मैंने यहाँ पर 500 ग्राम के करीब काजू लिए हैं। तो अब आइए बनाना शुरू करते हैं मसाला काजू। इसके लिए अब आपको क्या करना है, आपको लेनी है कोई भी कढ़ाई और इसमें आपको डालना है 2 से 3 टेबलस्पून के करीब देसी घी। वैसे आप चाहें तो ऑयल में भी आप बना सकते हैं, रिफाइंड ऑयल या फिर कनोला ऑयल भी ले सकते हैं, पर यहाँ पर मैं घी में बना रही हूँ क्योंकि घी में ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और काफ़ी लंबे समय तक टिके भी रहते हैं, यानी कि उसमें स्मेल वगैरह नहीं आती। तो इस तरह से घी डाल दें, फ्रेश घी का इस्तेमाल करें। ऑयल में बना रहे हैं तो फ्रेश ऑयल का इस्तेमाल करें। उतरा हुआ जो घी हो या तेल होता है उसका इस्तेमाल हमें बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उससे फ्रेंड्स क्या होता है कि महक आ जाती है। जैसे अगर आप उसको रखेंगे 8 या 10 दिन के लिए, तो उसके बाद इसमें स्मेल आने लगेगी, तो आप बोलेंगे कि ये कैसे बने हैं। तो इसके लिए जब भी आप कोई भी चीज़ फ्राई करें तो फ्रेश घी या ऑयल में ही फ्राई करें। रखने वाली चीज़ें हमेशा फ्रेश घी या ऑयल में ही फ्राई करें। तो धीमी आँच पर इसको इसी तरह से हमें 7 से 8 मिनट तक भूनना है। देखिए काजू में इस तरह से हल्का सा कलर आने लगेगा, तो उसके बाद में गैस को ऑफ कर दें और इनको आप निकाल लें, क्योंकि अभी इनमें कैरी ओवर कुकिंग भी होगी, यानी कि जब इसको हम आँच से उतार देते हैं उसके बाद भी काजू पकते रहते हैं। बहुत जल्दी फ्रेंड जलते हैं, इसलिए इसको धीमी आँच पर ही भूना जाता है। तो काजू हमारे भुन चुके हैं, इसको मैंने एक डिब्बे में निकाल लिया है। आप चाहें तो इसको प्लेट में भी निकाल सकते हैं। तो अब इनमें हम मसाले मिलाएंगे। तो मसाला काजू बनाने के लिए आपको कुछ मसाले मिलाने होंगे। तो बाजार जैसे हम काजू बना रहे हैं, तो देखिए बहुत आसान है। आधी चम्मच सफ़ेद नमक डालें, आधी चम्मच काला नमक डालेंगे। इसके अलावा हम इसमें आधी चम्मच के करीब डालेंगे गर्म मसाला पाउडर, और ज़रूरत लगे तो और भी डाल सकते हैं। तो आपके चटपटेपन पे डिपेंड करता है, यानी कि जितना चटपटा आपको पसंद हो उसके हिसाब से मसाले आप इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाला, और खटास के लिए मैंने इसमें 1 चम्मच डाला है चाट मसाला। चाट मसाले की जगह आप इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए। अब आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, नमक, मिर्च, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, जो भी आपको कम लगे तो आप कभी भी इसमें बढ़ा सकते हैं। गरम गरम में ही मिला लें तो अच्छा है। और वैसे इस पॉइंट पर फ्रेंड, जब भी आप मिलाएंगे मसाले, तो अगर अभी आप चेक करेंगे, खाकर देखेंगे, तो ये आपको काफ़ी सॉगी लगेंगे, यानी कि काफ़ी सॉफ्ट लगेंगे, पर बिल्कुल वरी ना करें, क्योंकि ठंडे होने के बाद जो काजू होते हैं तभी ये क्रिस्पी होते हैं। तो ठंडे होने का इनको इंतज़ार करें और उसके बाद आप इसको इंजॉय करें। तो सारे मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो फ्रेंड्स, मिक्स करने के लिए आप चाहें तो इस तरह से डब्बे का ढक्कन लगा सकते हैं और इसको हल्के हाथों से इस तरह से थोड़ा सा मिक्स कर लें, तो मसाला और भी अच्छे से चिपक जाएगा। बहुत विग्रसली मिक्स नहीं करें, इस बात का ध्यान रखें, वरना जो काजू है 2 टुकड़ों में टूट जाएगा और आपके काजू देखने और खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो मसाला काजू बनकर तैयार है। अभी इनमें और कलर आएगा और ये डार्क हो जाएंगे, क्योंकि इनमें कैरी ओवर कुकिंग होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे रोस्टेड काजू, मसाला काजू बनकर तैयार हैं। आप भी मेरी इस रेसिपी को घर में बनाकर जरूर देखें और बनाने के बाद में फीडबैक जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन विद न्यू रेसिपी। बाय बाय।